अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबनम बदुद्दीन। मेरे किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रसगुल्ला। ये खाने में बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा लगता है। चलिए उसे बनाने का तरीका देख लेते हैं। ये मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। दूध आप ज़्यादातर गाय का या थैली का दूध लीजिए, जिसमें मस्का कम रहे, वो दूध से बनाएंगे आप तो अच्छा बनेगा। देखिए 1 लीटर दूध ले लिया मैंने, उसे उबाल लिया है अच्छी तरह। ये हमारा दूध उबलने लगा, बस एक भाप आएगा, उबलने लगेगा तो हम उसे गैस को बंद कर देंगे। अब इसे हम छेना कैसे बनाते चलिए वो भी देख लेते हैं। मैंने सिरका ले लिया है। सिरके में 1 कप में मैंने 3 चम्मच सिरका लिया है। अब डायरेक्ट हम सिरका नहीं डालेंगे, सिरका डालेंगे तो हमारे दूध को में खट्टापन ज़्यादा आ जाएगा। इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच पानी डाल देंगे। देखिए मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें पानी डाल दिया है। अब इसे हम किस तरीके, देखिए इसमें इस तरीके से हम थोड़ा सा दूध उठाएंगे और इसमें ये सिरका थोड़ा सा ऐसे डालेंगे डालेंगे और इसमें दूध में ऐसे डाल डाल के हिलाते रहेंगे। पूरा फौरन एक साथ ज़्यादा हमें नहीं डालना है, नहीं तो हमारे दूध में खट्टापन आ जाएगा। इसी तरह से हम डाल डाल के इसे हिलाते रहेंगे। अभी देखिए हमारा हरा पानी नहीं आया है, बस अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगा इसमें हरा पानी, तो हमारा छेना बन जाएगा। देखिए हमारा एकदम अच्छी तरह फट के दूध फट गया है, एकदम अच्छा हमारा छेना तैयार हो गया है। देखिए हरा पानी भी बाहर आ गया है। अब इसे हम छलनी में छान लेंगे। छलनी देखिए इस तरीके से रखिए, नीचे एक पतीली रख के उसके ऊपर से छलनी रखिए। आपके पास छोटी छलनी है तो और अच्छी बात है, मेरे पास नहीं है तो मैं बड़ी छलनी का इस्तेमाल की हूँ। और इस पर ये मलमल का टुकड़ा इस्तेमाल कीजिए, कॉटन का कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं, मलमल का या वैसे रुमाल भी ले सकते हैं आप। लेके इसमें हम इस तरीके से इसे छेने को छानेंगे। इस तरीके से छेने को हम इसमें छान लेंगे। देखिए हमारा छेना अच्छी तरह छन गया। तो सब इसे अब हम अपना सादे पानी से अच्छी तरह धो लेंगे, जो हमारा सिरका डाले थे वो सिरके की खटास इसमें से निकल जाएगी। अच्छी तरह हम 1-2 पानी से इसे धो लेंगे, जाके इसका सिरके की खटास सब निकल जाए। एकदम अच्छी तरह इसे आप इस तरीके से धो लीजिए। अच्छी तरह आप धो लिए। अब इसे इस तरीके से करके हम इसका पूरा पानी निकाल देंगे। देखिए इस तरीके से हम पूरा पानी इसमें से दबा के निकाल देंगे। और फिर किचन टुवाल से आपका या फिर कोई भी कपड़े, मोटे कपड़े से इसे लपेट के रख देंगे, ताकि इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो हमारा सब निकल जाए। चलिए अब हम शीरा बना लेते हैं। इसका शीरा देखिए कैसे बनेगा। 1 कटोरी मैंने शक्कर ले लिया है। अब यही कटोरी से मैं 5 कटोरी पानी भी लूँगी। देखिए यही कटोरी से मैंने शक्कर लिया था, यही कटोरी से 5 कटोरी इसमें मैंने पानी ले लिया है। अब चलिए इसे हम पकने के लिए रख देते हैं। ये अच्छी तरह हमें इसे पकने देना है। अभी चलिए हम अपने छेने की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा छेना एकदम अच्छा एकदम सूखा हो गया, एकदम अच्छा हो गया है। अब इसे हम बनाएंगे। इसे अब इसे आगे क्या करना है, ये हथेली की मदद से इसे अच्छी तरह मसलना है, ताकि हमारा छेना एकदम अच्छी तरह हो जाए। एकदम हमारा छेना सूख गया और बहुत अच्छा सही हो गया एकदम। अब हम इसे हथेली की मदद से इस तरीके से आगे ले जाके थोड़ा ऐसे ऐसे करके रगड़ेंगे, एकदम अच्छी तरह इसे हम रगड़ेंगे। और शीरा भी हमारा देखिए पक रहा है एकदम अच्छा। देखिए इसे चलाते रहेंगे कि शक्कर हमारी नीचे पकड़े नहीं, एकदम अच्छी तरह हम इसे चलाते रहेंगे। और इसे हम हाथों की मदद से ऐसे ऐसे करते करते 10 से 15 मिनट तक का ये हथेली की मदद से हमें ये करना है।
देखिए हथेली की मदद से इस तरीके से हमें आगे थोड़ा पहले करना है, फिर इसको डो को पीछे लेना है, फिर उसके बाद फिर आगे आगे ऐसे करना है। इसी तरह हमें इसे 10 से 12 मिनट तक का अच्छी तरह हथेली से रगड़ना है। और ये जितना अच्छा आप रगड़ेंगे उतना अच्छा आपका स्पंजी रसगुल्ला बनेगा। इसी तरह हमें इसे रगड़ते रहना है। ये देखिए हमारा एकदम अच्छी तरह गूंद के हो चुका है, इसमें से तेल भी आ गया बाहर। अब इसमें हम एक चम्मच आरारोट पाउडर या कॉर्नफ्लावर पाउडर कोई भी चीज़ हम इसमें डाल सकते हैं। एक टेबल स्पून एकदम थोड़ा सा डालना है खाली इसके, कि ये हमारा गोल अच्छी बन सके, इसमें फटे ना या लाइनिंग कुछ ना आए, इस वजह से हमें डालना है। देखिए बस ये हमें एक चम्मच इतना डालना है ये पाउडर इसमें। ये पाउडर डाल के हमें अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेना है। इसे अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसी तरह हमें, मैं 10 मिनट तक अभी इसको गूंदी हूँ अच्छी तरह, अभी फिर हमें 2 से 3 मिनट तक इसे फिर अच्छी तरह इस तरीके से हमें ऐसे ऐसे गूंदना है कि अच्छी तरह, ताकि आटा इसे मिक्स हो जाए और ये गोली हमारी अच्छी बने, रसगुल्ला जब बने तो हमारा फटे नहीं और उसमें कोई लाइनिंग क्रैक ना आए, कुछ ऐसा ना हो। इस वजह से ये हम कॉर्नफ्लावर पाउडर डालते हैं और इसी तरीके से इसे डाल के इस तरीके से ऐसे ऐसे हाथों से हमें अच्छी तरह मिलाना है। एकदम अच्छा हो चुका है। अब इसे हम गोली बनाएंगे, ये गोल गोल लेके हम इसमें गोली बनाएंगे। इतना पेड़ा ले लेके और एकदम दोनों हाथ से एकदम गोल गोल, मैं बता रही हूँ आपको, ऐसी पेड़ा बनाना है। इस तरीके से दोनों हथेली के बीच में रख के इसे हमें ऐसे गोल गोल गोली बनाने का है, एकदम परफेक्ट बनाने, कहीं क्रेक ना रहे, नहीं तो हमारा रसगुल्ला अच्छा नहीं बनेगा, सिरे में जाते ही फटने लगेगा। देखिए इस तरीके से एकदम गोली हमें बनाना है, एकदम क्रेक नहीं रहे, एकदम अच्छी रहे। देखिए 1 लीटर दूध में 10 से 12 रसगुल्ले बनते हैं, मैंने 10 गोली बना ली है बड़ी बड़ी। अब हम इसे शीरे में डालेंगे। शीरा देखिए ये पोजीशन पे रहना चाहिए, शीरा एकदम अच्छा पकते रहना चाहिए, एकदम अच्छा खोलता हुआ पकना चाहिए। और इसमें हम एक साथ पूरी गोली नहीं डालेंगे, हम एक एक करके इसमें गोली डालते जाएंगे। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक 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 करके ये एकदम ऐसे उबलता रहे और इसमें एक एक गोली हमें ऐसे डालना है। इसी तरीके के हमें सारी गोली डालते जाना है इसमें। देखिए मैंने सारी गोली डाल दिया है। इसे कभी भी आप बनाइएगा रसगुल्ला तो फैले बर्तन में बनाइएगा, ताकि इसको अच्छी तरह अच्छी जगह मिले, वो अच्छी तरह पक सके, एक दूसरे में चपके नहीं। देखिए एकदम अच्छे से पक रहा है। इसी तरीके से हमें इसे खुला अभी एकदम गैस तेज करके 10-5 मिनट तक हमें इसे इसी पोजिशन पे पकाना, इसे हाथ नहीं लगाना, इसे हिलाना नहीं है, कुछ नहीं, बस इसी तरीका का है। हमें इसे 5 मिनट पकने के लिए छोड़ देना है, उसके बाद का आगे मैं बताती हूँ आपको। देखिए हमारा 5 मिनट पक के हो चुका है और देखिए कितना बड़ा लग रहा है, ये बहुत जल्दी सीरे में फूल के बड़ा हो जाता है। अब 5 मिनट हमारा तेज करके पक के हो चुका है, अब इसे हम ढक के 5 मिनट पकाएंगे। देखिए हमारा 10 मिनट इसे पक के हो चुका है। देखिए एकदम इसे चम्मच से हमें ये चम्मच के साइड का नहीं लगाना, सिर्फ ये बीच का हिस्सा लगाना है और इसे इधर उधर पक करना है, नहीं तो ये हमारा एकदम अच्छी तरह देखिए पक रहा है, एकदम अच्छी तरह हो गया है। देखिए 10 मिनट हो चुका है हमारा पक के ये। अब हमें इसे 7-8 मिनट और बनाएंगे तो ये हमारा एकदम अच्छा परफेक्ट तैयार हो जाएगा। अभी हम गैस को हाफ कर देंगे। अब हाफ करके हम इसे ढक के पकाएंगे। देखिए हम इसे 8 मिनट तक और पका लिए हैं। देखिए हमारा रसगुल्ला एकदम अच्छी तरह परफेक्ट तैयार हो गया है। अब हम एक बाउल में ठंडा पानी एकदम अच्छा
ज़्यादा ठंडा पानी लेंगे, अगर आपके पास ज़्यादा ठंडा पानी नहीं है तो आप इसमें बर्फ़ डाल सकते हैं, और बर्फ़ भी डाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ठंडा पानी था इसलिए मैंने ठंडा पानी डाला। अब इसे हम गैस को बंद कर देंगे और एक एक रसगुल्ला निकाल के एकदम संभाल के हम ये ठंडे पानी में डालेंगे। देखिए एक एक रसगुल्ला निकाल के ये ठंडे पानी में इस तरीके से डालना है। और अगर हमारा रसगुल्ला तैयार हुआ है कि नहीं, पक चुका है पूरा कि नहीं, तो एकदम अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा। पानी में अगर हमारा रसगुल्ला बैठ जाता है नीचे तो ये समझ लेने का हमारा रसगुल्ला अच्छी तरह पक गया और तैयार हो चुका है। देखिए इस तरीके से सारे रसगुल्ले को हम निकाल लेंगे। देखिए सारे रसगुल्लों को मैंने निकाल दिया है। देखिए कितना स्पंजी है और कितना सॉफ्ट है। देखिए हाथ से मैं दबा रही तो एकदम पूरा ऐसे दब जा रहा है। देखिए इस तरीके से रसगुल्ला बनना चाहिए। देखिए एकदम परफेक्ट हमारा रसगुल्ला बना है और एकदम अच्छा। इसे हम अब फ्रिज में रख देंगे 4 घंटे के लिए। ये ठंडा हो जाएगा तो खाने में अच्छा लगेगा। ये ठंडा ठंडा खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। रसगुल्ला तो देख के ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करिए कि कैसा बना था रसगुल्ला आपका। और मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब हमारी सिरे को देखिए, इसे हम खोला के एकदम अच्छा से पका के कम कर देना है, गाढ़ा सिरा कर देना है ताकि हम रसगुल्ले के साथ खाएं तो मीठा अच्छा लगे खाने में। अभी से हम थोड़ा सा कम कर देंगे और फिर इसके पास इसमें केवड़ा वाटर या फिर एसेंस गुलाब वाटर कुछ भी आप इसमें हल्का सा डाल के खुशबू के लिए और फिर सिरे पे डाल के खाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। ये अभी हम इसे पकाएंगे थोड़ा सा और इसे फ्रिज में रखेंगे 4 घंटे के लिए। 4 घंटे के बाद बताती हूँ फिर मैं कैसा इसका रिजल्ट है और क्या है इसमें। देखिए हमारा रसगुल्ला 4 घंटे पानी में हमने डाल के रख दिया था। देखिए एकदम अच्छा हो गया है, ऊपर भी आ गया है हमारा रसगुल्ला। अब पानी में से हम इसे निकाल देंगे और इसमें शीरे में डालेंगे अभी हम। देखिए पानी में से पूरा निकाल दिए इसे, इसमें अब हम शीरा डालेंगे। जो हम अपना शीरा बनाए थे वो शीरा गाढ़ा गाढ़ा इसमें शीरा डालेंगे। देखिए हमारा रसगुल्ला एकदम अच्छा तैयार हो गया है, एकदम खाने जैसा हो गया, एकदम स्पंजी सॉफ्ट। देखिए एकदम सॉफ्ट स्पंजी और बहुत अच्छा ये रसगुल्ला हुआ है, एकदम मुंह में घुल जाने वाला। देखिए बहुत अच्छा दिख रहा खाने में, देखने में। इस तरीके से आप बनाइए अपने घर, इंजॉय करिए और मुझे कमेंट करिए कैसा बना था, क्या है, कैसा बना है और कैसा लग रहा है। चलिए अगले वीडियो में मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।